My name is Hamad Sarwar and I'm an ACC member and having more than 15 years of experience of teaching. I've been teaching paper FA1, FA2, F3, Financial Reporting FR, AA, All and Assurance, and SBR paper in Tawani School of Accountancy, which is one of the largest accountancy institutions in south region of Pakistan and the only platinum status institute. So today we are going to start the crash course of the paper paper FA1 So let's start with the first slide The format of the exam the paper overall paper will be based on 50 MCQs and each having two marks and the total weightage is 100 marks and the passing percentage of this paper is 50% The overall exam passing ratio of this paper is approximately 80% globally. the paper will be two hours uh, for, with respect to the time period and there will, the paper will be based on totally mcqs. there will be no blanks in fa1 area. there will be no other type of questions. so only there will be uh, mcqs in this paper so let's start with the first definition of accounting what is accounting what exactly the meaning of accounting is accounting is actually all about the business accounting is about the business so first you need to understand what exactly the meaning of the business is business means any activity carried out with the intention of earning a profit तो so, कोई भी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं विद इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिजनेस अब अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखें तो आप बिज़नेस के साथ घिरे में जो आप चीज़ें ख़रीदते हैं जिसके अंदर आप अगर आप कहें तो आपने कहा मैंने जीन्स की टी शर्ट ख़रीदी है या जीन्स की पैंट परचेज़ की है या मैंने कोई और फॉर uh, एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ बाय की है क्लोथ्स के अंदर या फॉर एग्जांपल मैं ग्लासेस परचेज़ कर रहा हूँ या मैं कार परचेज़ कर रहा हूँ या मैं पेन परचेज़ कर रहा हूँ मैं एयरलाइन की टिकट्स परचेज़ कर रहा हूँ मैं बैंकिंग के साथ जाके ये दे ऑल आर डूइंग द बिजनेस मैं मोबाइल सेल फोन परचेज़ कर रहा हूँ मैं एक साइकिल परचेज़ कर रहा हूँ मैं बाइक परचेस कर रहा हूँ ये सारे के सारे आपके सराउंडिंग में मैं कैमरा परचेज़ कर रहा हूँ मैं एक लैपटॉप परचेस कर रहा हूँ ये सारे के सारे दे ऑल आर डूइंग एन एक्टिविटी द इंटेंशन ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट द ऑल आर बिजनेस तो so बिजनेस जो है वो हम कोई भी एक्टिविटी जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट जनरेट करना होता है उसको हम बिजनेस कह रहे हैं अब बिजनेस की क्या है अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस अकाउंटिंग बेसिकली बिजनेस की एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के थ्रू आप सबको पता है हम क्या काम करते हैं कम्युनिकेट करने का काम करते हैं अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग बिजनेस की एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं क्या बिजनेस की परफॉर्मेंस बिज़नेस की परफॉर्मेंस को हम कम्युनिकेट करते हैं कि क्या बिज़नेस की परफॉर्मेंस जो है वो अपवर्ड जा रही है या बिज़नेस की परफॉर्मेंस कांस्टेंट है या बिज़नेस की परफॉर्मेंस डाउनवर्ड जा रही है बिज़नेस जा कहाँ रहा है हमारा तो करंट पोजीशन बिजनेस की क्या है हमने पिछले एक साल में क्या कमाया क्या लगाया क्या इन्वेस्टमेंट की क्या अर्न किया क्या हमारा रेवेन्यू था, था क्या हमारे एक्सपेंसिस थे क्या हमारे एसेट्स थे क्या हमारी लाइबिलिटीज थी क्या हमारा कैपिटल था ये सारी की सारी रिपोर्टिंग जो है वो एक अकाउंटेंट जो है वो कर रहा होता है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस जिसके थ्रू हम बिज़नेस की परफॉर्मेंस को कम्युनिकेट करते हैं अच्छा बिजनेस की हमने बात की हमने कहा कोई भी एक्टिविटी कैरियड आउट विद इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस टाइप्स ऑफ बिजनेस के अंदर आपको बताया कौन कौन से बिजनेस हो सकते हैं तो आपने बताए ट्रेडिंग बिजनेस होता है इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं सिंपली बाइंग और सेलिंग चीज़ें ख़रीदते हैं और सेल कर देते हैं सो आर नंबर ऑफ जॉइंट रिटेल स्टोर्स आज आपको नजर आ जाएंगे आपकी सोसाइटी के अंदर जो इनका काम ही क्या है बाइंग सेलिंग करना कंपनी से खरीदते हैं कंज्यूमर को बेचते हैं एक कहलाता है मैनुफैक्चरिंग कंसर्न जो बना के बेचता है तो अगर लैपटॉप बनाने वाली कंपनीज को आप देख लें सेलफोन बनाने वाली कंपनीज को देख लें तो ये सारे के सारे मैनुफैक्चरिंग कंसर्न्स बन देते हैं गाड़ी बनाने वाली कंपनी को देख लें दे ऑल आर मैनुफैक्चरिंग कंसर्न्स फिर आ जाता है सर्विस बिजनेस लाइक एयरलाइन की अगर हम बात करें एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग एन इसी तरह कोई होटल हो सकता है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है रूम्स के थ्रू फिर आपका कोई बैंक हो सकता है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो एक होता है सर्विस इंडस्ट्री स्कूल्स में कॉलेज में ये सारे के सारी आपको जो है वो सर्विसेज मिल रही है तो हमारे टाइप्स ऑफ बिजनेस कहलाते हैं ट्रेडिंग बिजनेस होता है एक मैनुफेक्चरिंग होता है और एक सर्विस बिजनेस होता है मूविंग ऑन टूर्ड नेक्स्ट स्लाइड अकाउंटिंग की अब एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन देखें कि अकाउंटिंग की ट्रेडिशनल डेफिनेशन है क्या कहते हैं अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं डेटा को डेटा को रिकॉर्ड करने के बाद उसको समराइज़ करते हैं फिर एनालाइज़ करते हैं एंड फिर रिपोर्ट कर देते हैं किसको बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स को किन लोगों को टू द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स तो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसी को फिर हम समराइज़ करते हैं और समराइज़ करके फिर उस रिपोर्ट्स को कम्युनिकेट कर देते हैं टू द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स तो किन चीज़ों की समराइज़ हमारी स्टेटमेंट्स बनती हैं उसका नाम होता है बिज़नेस ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन आपने का कोई भी ऐसा इवेंट होता है जो आपके एसेट्स को या आपकी लाइब्रिटीज़ को चेंज करते हैं सपोज़ मैं कह रहा हूँ मैं टू इयर्स बाद बैंक लोन लूँगा बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है मैं, मैं कह रहा हूँ मैं टू इयर्स के बाद अपनी एक ब्रांच खोलूँगा यू के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजन है लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है सिर्फ और सिर्फ पास्ट ट्रांजेक्शन को तो कोई इवेंट हुआ ही नहीं है कोई पास्ट इवेंट हुआ ही नहीं है सो डेफिनेटली देर इज़ नो ट्रांजेक्शन तो ट्रांजेक्शन को अक्कर होने के लिए ज़रूरी क्या है कि बिजनेस के एसेट्स से लाइब्रिटीज चेंज हो जाए हाँ अगर आप कहते हैं मैंने बैंक लोन बो कर लिया है तो जब हम बैंक लोन बॉ करते हैं तो हमारे एसिट्स बड़े होते हैं और साथ साथ हमारी लाइबिटीज़ बड़ी होती हैं तो जब हमारे एसिड्स भी बढ़े हैं लाइबिटीज़ बढ़ी है एसेट्स और लाइबिटीज चेंज हो गए डेफिनेटली इसको फिर हम कहेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि बींग एन अकाउंटेंट यू नीड टू एनालाइज दिस कि कौन सा इवेंट रिकॉर्ड होगा कौन सा इवेंट रिकॉर्ड नहीं होगा तो हर वो तो इवेंट जिसमें एसिड्स लाइबिस चेंज नहीं हो तो रहे वो तो रिकॉर्ड नहीं होते सिर्फ वो इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं जिसमें एसिड्स या लाइबिटीज चेंज हो रहे होते हैं इसको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन ठीक है जी इन ट्रांजेक्शन को हम तो बिज़नेस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं फिर इन्हीं को रिकॉर्ड करने के बाद इनकी समरी बनती है फिर इसी को एनालाइज़ करके रिपोर्ट्स बनाते हैं हम और कम्युनिकेट करते हैं टू द स्टेक होल्डर्स तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें रिपोर्ट्स कि कौन सी रिपोर्ट्स आप देते हैं स्टेक होल्डर्स को और दूसरा वर्ड है स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर्स हम कहते हैं हर वो पार्टी जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो जिन लोगों का बिजनेस में इंटरेस्ट होता है वो सारे के सारे हमारे स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं अब रिपोर्ट्स कौन सी देते हैं हम लोग तो इस रिपोर्ट्स याद रखिएगा हमेशा देते हैं इसका नाम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो रिपोर्ट्स हैं जो आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस कम्युनिकेट करने में हेल्प करी है। होती है जिसके अंदर पहली स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन जिसको पहले हम लोग बैलेंस शीट भी कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एक पर्टिकुलर डेट पर बनती है जो आपको बताती है कि बिजनेस के एसेट्स कितने हैं बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी है बिजनेस का कैपिटल कितना है तो एक पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस की करंट फाइनेंशियल पोजीशन वो आपको कम्युनिकेट करा होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जिसको हम लोग पी भी कहते हैं स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस हमें क्या कम्युनिकेट करता है बिजनेस में रेवेन्यू कितना कमाया बिज़नेस में एक्सपेंसेस कितने हैं और बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो पूरे साल में अच्छा ये बनता है एक पीरियड का कि एक पीरियड में हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया रेवेन्यू कितना अर्न किया एक्सपेंसेस कितने इनकर्ड किए इसकी सारी समरी आपको मिलती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर थर्ड स्टेटमेंट हमारी होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज इसमें हम पूरे साल में जो इक्विटी की मूवमेंट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं आसान में हम कह सकते हैं कि कैपिटल की जब मूवमेंट है पूरे साल में कितना पैसा आया है कि कब कब आया है पैसा इसकी पूरी मूवमेंट को हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटीज़ में रिकॉर्ड करते हैं ये भी एक पीरियड की बनती है ये दोनों पीरियड की बनती हैं और ये एक पर्टिकुलर डेट की बनती है इसलिए हम इसमें एज एट एजेट एजॉन लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इसमें बिजनेस की कैश फ्लो की पूरी जो समरी है वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं ये भी एक पीरियड का बनता है कि एक पीरियड में मैंने कितना कैश इनफ्लो हुआ कितना कैश आउटफ्लो हुआ रिमेंबर दिस पॉइंट अकाउंटिंग कहती है ये सारी स्टेटमेंट वन टू एंड थ्री ये बनेगी ऑन एकूवल बेसिस पे एक बेसिस का मतलब क्या है कि ट्रांजेक्शन को हम जब रिकॉर्ड करेंगे जब वो अक्कर हो जाए फॉर एग्जाम्पल सेल कब होगी जब उन्होंने गुड्स डिलीवर कर दी इसका मतलब अकाउंटिंग क्या कह रही है क्रेडिट भी सेल है और कैश भी सेल है हम नॉर्मल लाइफ में अपनी नॉर्मल लाइफ में हमेशा नॉर्मली हम देख रहे होते हैं कि कैश जब आता है तो हम उसको बोलते हैं सेल हो गई हालांकि उधार पे भी सेल हो सकती है अकाउंटिंग एक्सेप्ट करती है इसलिए एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि ट्रांजेक्शन ऐसा हो सकता है कि ट्रांजेक्शन अकर हो उसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट ही ना हो तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो भी ट्रांजेक्शन अकर हो सकती है इसलिए हम वन टू थ्री जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं इसमें एक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे होते हैं और एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड वैन दे अक्कर जैसी ट्रांजेक्शन अक्कर हो जाएगी हम रिकॉर्ड कर लेंगे मैंने गुड्स दे दी पैसे बेशक नहीं आए अभी लेकिन मैं रिकॉर्ड कर लूँगा क्रेडिट सेल्स की ट्रांजेक्शन को पैसे हो सकता है एक साल बाद आए हो सकता है छः महीने बाद आए हो सकता है दो साल बाद आए लेकिन वैन वी वैन यू टॉक अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट इट ऑल बेस्ड ऑन द कैश फ्लोज तो ये कैश बेसिस के ऊपर हम जो है उसको बना रहे होते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कैश इनफ्लो कितना हुआ आउटफ्लो कितना हुआ कितना आया पैसा और कितना गया तो कैश फ्लो की नज़र में कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन अकर हो ही नहीं सकती फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिट सेल नाम की कोई चीज़ कैश फ्लो के साथ में नहीं होती कैश फ्लो बोलता है क्रेडिट सेल का मतलब ये बताओ सेल्स कब होगी जब कैश आएगा और एक्सपेंसिस कब पे होंगे जब पेमेंट जाएगी तो इन एंड आउटफ्लोज को रिकोगनाइज़ करा होता है कैश फ्लो इसका मतलब हमने एक टॉपिक आगे पढ़ना है डेप्रिसिएशन डेपीसीस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एक्सपेंस होता है लेकिन कैश पेमेंट नहीं होती किसी को तो कैश तो कभी भी रिकग्नाइज नहीं करता डेपिस एंड द लास्ट वन इज द नोट्स उद अंट्स नोट्स उद अकाउंट्स के अंदर हम जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं जितनी भी वर्किंग्स होती हैं हमारी उसको हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं और जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं वो इसमें आ रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल शीट में एसेट्स की डिटेल्स आपको कहाँ मिलेंगी नोट्स में लाइब्रेज की डिटेल्स कहाँ मिलेंगी नोट्स में कैपिटल की डिटेल्स कहाँ मिलेंगी नोट्स में इसी तरह रेवेन्यू मैंने कहाँ कहाँ से कमाया डिटेल्स मिलेंगी नोट्स में एक्सपेंसिस कहाँ कहाँ लगे हैं डिटेल्स मिलेंगी नोट्स में तो जितनी भी डिटेल्स होती हैं फर्दर डिटेल्स वो हमारी सारी नोट्स में बनाई जाती हैं तो ये पांच स्टेटमेंट्स का कॉम्पोन्ट मिल बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर मैंने आपसे कहा हर वो पार्टी को हम कहते हैं जिसका बिजनेस में किसी ना किसी हवाले से इंटरेस्ट हो तो अब आपने कहा कौन लोग स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं शेयर होल्डर जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं जिसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है जो कि बिज़नेस का ऑनर है इनफैक्ट उसको पता करना है कि मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है ऊपर जा रहा है बिज़नेस नीचे जा रहा है जिसकी बेसिस पे वो अपने रेलिवेंट डिसीजन लेगा फिर इन्वेस्टर एक इन्वेस्टर वो बंदा है जो पैसा लेके घूम रहा है जिसको ये देखना है कि कौन से बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो वो एनालाइज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जिसकी बेसिस पे देखता है कौन सा बिजनेस अच्छा है तो so डेफिनेटली जो ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा ज्यादा बेहतर बिजनेस होगा वहां मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो so मुझे उसको एनालाइज करने के लिए आई नीड द रिपोर्ट्स इसके लिए मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता बिजनेस का एम्प्लॉय इज एन स्टेक होल्डर एम्प्लॉय को देखना है बिजनेस कहाँ जा रहा है डेफिनेटली इफ यू आर एम्प्लॉय ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि डे बाय डे लॉसेस में जा रही है लॉसेस में जा रही है और ये सुनने में आ रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बंद होने वाली है तो आपका डिसीजन क्या होगा डेफिनेटली आप चाहोगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन से स्विच करो जल्द से जल्द लेकिन अगर एक कंपनी ग्रेजुअली ग्रो करती जा रही है ग्रो करती जा रही है तो आप उस कंपनी के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे होते हैं कि आज मैं मैनेजर हूँ कल मैं सीनियर मैनेजर बन जाऊँगा स्कोप है आगे बढ़ने का क्योंकि एम्प्लॉइज़ को चाहिए होती है जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब ग्रोथ जॉब सिक्योरिटी जॉब ग्रोथ कौन दे सकता है आपको सिर्फ वो कंपनी जो ग्रोइंग कंपनी होती है इसी तरह कंपनी की मैनेजमेंट होती है जो मैनेजमेंट चला रही है बिज़नेस को चला रही है उसको देखना है कि वो बिज़नेस कैसा चला रही है फिर गवर्नमेंट है गवर्नमेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से जो है वो देख रहा होता है बिजनेस की परफॉर्मेंस को इसी तरीके से लोन प्रोवाइडर है लोन देने वाला है, देख रहा है कि मेरा पैसा वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो इसके लिए लोन प्रोवाइडर डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करता है इसी तरह कस्टमर देख रहा होता है सप्लायर देख रहा होता है और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं जिसका किसी न किसी हवाले से बिजनेस में इंटरेस्ट होता है फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछना है गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट होगा तो आपका पता है आप गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है टैक्स बिल तो बनता है बिज़नेस के प्रॉफिट पर तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा द मोर द प्रॉफिट यू अर्न द मोर द टैक्स यू नीड टू पे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा ज़्यादा टैक्स होगा प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये कौन बताएगा पीछे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको देखनी पड़ेगी पहले तो उसके लिए गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है अच्छा अगर लॉस हो रहा है इसका मतलब टैक्स नहीं मिलेगा हमको तो फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट अपनी कुछ और अरेंजमेंट करता है इसी तरह गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि अगर एक कंपनी बंद हो रही है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही लॉसेस में है तो डेफिनेटली नियर फ्यूचर वो बंद होने वाली है अगर बंद होगी तो हज़ारों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और जो हज़ारों लोग अनएम्प्लॉयड होंगे या बहुत सारे लोग जो अनएम्प्लॉयड होंगे उसका क्या होगा आगे तो उसके लिए जो है वो हम गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करी होती है इसी तरीके से आप, आपको पता है कंपनी अगर ग्रो करी है और उसकी मैनुफेक्चरिंग उसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो इकानमी के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी बढ़ रहा है तो आपके मुल्क में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी ये चीज़ काम आती है फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप के अंदर हमारे पास एक जो है वो सोल पार्टनरशिप बिज़नेस कहलाता है जिसके अंदर सिंगल ऑनर होगा एक पार्टनरशिप बिज़नेस कहलाता है जिसके अंदर टू और मोर ऑनर्स हो सकते हैं और हमारे पास एक लिमिटेड लाइब्रिटी कंपनी कहलाती है इसके बारे में हम डिटेल में जो है वो आगे पढ़ेंगे अभी हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप होती हैं तो एक सोल पार्टनरशिप जिसके अंदर सिंगल ऑनर होगा सोल ट्रेडर भी कहते हैं हम इसको पार्टनरशिप टू और मोर का पार्टनर्स एंड कंपनी के अंदर जो है वो वन से लेके अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं एसिड की डेफिनेशन आपको कौन सी पता होनी चाहिए वो वाली एसिड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए जो हम नॉर्मली फ्रेमवर्क के अंदर यूज़ करते हैं तो क्या डेफिनेशन एसिड की वैसे आपको भी शायद एसिड की बहुत सारी डेफिनेशन पता होंगी लेकिन ये सबसे मोस्ट ऑथेंटिक डेफिनेशन है इसकी प्रेजेंट इनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाईटी पास प्रेजेंट इकनॉमिक कंट्रोल बाईं पाट इवेंट अब हम बात करें अगर एसेट्स की तो क्या चीज़ एसेट्स होती है आपने कहा कैश एसेट होता है बैंक एसेट होता है स्टॉक एसेट होता है डेटर्स एसेट होते हैं इन्वेस्टमेंट्स एसेट होती हैं इसी तरह लैंड एसेट होती है बिल्डिंग एसेट होता है ये सब के सब क्या चीज़ है हमारे बिजनेस के रिसोर्स हैं जिससे हमें फ्यूचर में फायदा होगा फिर प्लांट एंड मशीनरी किसी किस्म का कोई मोटर व्हीकल है आपके पास मोटर व्हीकल कोई इक्विपमेंट्स हैं, सब हमारे जो है वो एसेट्स के अंदर फॉल करते हैं इसी तरह इसका बिल्कुल एक ऑपोजिट चीज़ कहलाती है लाइबिटी, लाइब्रिटी के अंदर क्या होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो हमारी ऑब्लीगेशन है ऑफ एन एंटिटी टू ट्रांसफ़र इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द पास्ट इवेंट या आपकी प्रेजेंट ऑब्लीगेशन है ट्रांसफ़र द इकोनॉमिक रिसोसेज आपको किसी को पैसे देने किसी को पेमेंट करनी है आपको तो वो पार्टी तो हमारी लाइब्रटीज़ कहलाती है लाइब्रटीज़ में हमारा क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स हमारी लाइब्रटीज़ होती हैं बैंक वालों से अगर हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन लिया तो बैंक लोन कहते हैं उसको हम लोग इसी तरह एक्रूवल्स अगर अनपेड एक्सपेंसिज हैं तो वो हमारी लाइबिटीज़ होती हैं तो ये हमारी लाइबिटीज़ की कुछ एग्जांपल्स हैं कैपिटल इक्विटी को देखते हैं हम क्विकली कि कैपिटल इक्विटी को हम कैसे डिफाइड करते हैं जो नॉ ऑनर की इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर सिंपल डेफिनेशन में कहते हैं जो ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर टू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल फ्रेमवर्क के हिसाब से कहते हैं वो कहते हैं कि जो एसेट्स में से डायबिटीज माइनस करके जो अमाउंट बचेगा उसको हम कैपिटल कहते हैं या इक्विटी कहते हैं रेवेन्यू का चीज़ होती है आपने कहा रेवेन्यू वो प्राइस होती है जो आप चार्ज करते, है है करते हैं कस्टमर से प्राइस चार्ज होते हैं कस्टमर्स कि किस चीज़ के अगेंस्ट फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट जो प्राइस हम कस्टमर से चार्ज करते हैं उसको हम रेवेन्यू का नाम दे रहे थे तो बहुत सिंपल सिंपल मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक एयरलाइन जहाज का जो टिकट चार्ज करिए अपने कस्टमर से वो उसका रेवेन्यू है अब वन वे का आपको पता है रेवेन्यू अलग होगा अगर रिटर्न टिकट आप लोगे उसका रेवेन्यू अलग होगा इसी तरीके से एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी अपना मोबाइल बेचने की जो प्राइस चार्ज करी आपसे कस्टमर से वो उसका रेवेन्यू है एक मोबाइल कार्ड बनाने वाली कंपनी मोबाइल का कार्ड बना के बेचती है जो हम अपने पास लोड कर रहे होते हैं जिसकी बेसिस पे हम सर्विसेज ले रहे होते हैं वो उसका रेवेन्यू तो जो प्राइस भी आप चार्ज करें एक पिज्ज़ा वाला अपना पिज्ज़ा बनाने की जो प्राइस चार्ज कर आपसे बींग कस्टमर वो हमारा रेवेन्यू <laughs> इसी तरह इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं कॉस्ट इंकयर करें बिज़नेस के अंदर किस चीज़ के लिए गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो सारे के सारे मैंने क्या है एक्सपेंसिव है तो आपने कहा मुझे अगर पिज्ज़ा बेचना है तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बर, जो ख़र्चा है वो भी बेयर करना पड़ेगा मुझे रेंट का एक्सपेंस भी बेयर करना पड़ेगा मुझे जो है वो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी देनी पड़ेंगी मुझे गैस का बिल भी पे करना पड़ेगा मुझे वाटर का बिल भी देना पड़ेगा मुझे और अदर यूटिलिटीज़ भी मैं पे करनी पड़ेंगी ये सारी की सारी कॉस्ट है जो आपको इनकर करनी है अपना बिजनेस करने के लिए ये सारे के सारे हमारी एक्सपेंसिस चलाते है ड्रॉइंग्स क्या होता है हमारे पास जो अमाउंट विड्रॉ करता है ऑनर बिल्कुल अपोजिट टू द कैपिटल कि ऑनर पैसा लाया था ऑनर बिजनेस में से पैसा लेके जा रहा है बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा वापस लेके जा रहा है उसको हम जो है वो ड्रॉइंग्स नाम दे रहे हैं तो एक होता है कैपिटल जो ऑनर पैसा लेके आएगा और एक है ड्राइंग जो ऑनर बिजनेस में से पैसा लेके जाएगा बिजनेस में से वो वापस ले गया इन्वेस्टमेंट को वापस ले गया अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसको हम नाम दे रहे होते हैं ड्राॅइंग्स का अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ़ आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा कहता है एसड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिटी जिसके अंदर याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और हमेशा राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ही कनेक्ट होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी उसमें हम उसको डेबिट साइड भी कहते हैं और जो राइट हैंड साइड है उसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं इसी के ऊपर डबल एंट्री के पूरे रूल्स बनते हैं अगर आप डबल एंट्री रूल्स को अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कि एसेट्स अगर बढ़ रहे होते हैं तो हम लोग उसको डेबिट पर रिकॉर्ड करते हैं और कम होंगे तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा इसी तरह कैपिटल ए लाइबिटीज़ अगर बढ़ रहे होते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं उमदा क्रेडिट साइड तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसको डिफरेंट तरीके से जो है वो एग्जामिनर जो है वो घुमा के भी पूछ सकता है जैसे कि हम एक सवाल करते हैं पहले कि शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द कैटी एट द एंड ऑफ द वीक कुछ ट्रांजेक्शन हमारी हमने वन टू थ्री तीन ट्रांजेक्शन जिसमें हमें बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या आता है कैपिटल प्लस लाइबिटीज़ फर्स्ट ट्रांजेक्शन में अगर आप देखें क्या लिखा हुआ टू ट्वेंटी थाउजेंड ऑफ द कैश इन द बिजनेस बिजनेस के अंदर आपने ट्वेंटी थाउजेंड का कैश इंट्रोड्यूस करवाया तो एसेट्स बढ़ेंगे ट्वेंटी थाउजेंड से और ऑनर बिजनेस में पैसा लाया है तो कैपिटल बढ़ेगा ट्वेंटी थाउजेंड से फिर क्या है कैटी परचेज मोटर व्हीकल फॉर यूज़ विद इन द बिजनेस फॉर नाइन्टी फाइव हंड्रेड नाइन्टी फाइव हंड्रेड आप देखें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि उसने क्रेडिट में परचेज़ किया सो इट विल बी अ कैश ट्रांजेक्शन सो ट्वेंटी थाउज़ेंड में से नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का कैश माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा एलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैश और उसके साथ हमारे पास मोटर व्हीकल आ जाएगी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की नेट एसेट्स हमारे जो है वो सेम ही रहेंगे और इसका कोई इम्पैक्ट कैपिटल पर नहीं आएगा तो रिमेंबर दिस पॉइंट के अगर वो आपसे पूछे यार इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट क्या आएगा तो इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट ना तो कैपिटल पर आएगा ना, तो ना लाइबिलिटी पे आएगा एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट कम बढ़ेगा कैटेटिक्स आउट फाइव ईयर्स बैंक लोन फॉर फाइव थाउजेंड फाइव हज़ार रुपये का बैंक लोन लिया है तो एसेट बढ़ेगा कैश मेरा अब कितना हो जाएगा बढ़ के कैश इंक्रीज़ करेगा एसेट्स बढ़ेंगे बाई फाइव थाउजेंड पर और साथ साथ लाइब्रेटी बढ़ेगी बाई फाइव थाउजेंड लाइब्रेटी का नाम रख देंगे हम बैंक लोन कैपिटल हमारा आज भी जो है ट्वेंटी थाउजेंड ही जो टॉप से बॉटम पर चल रहा आ रहा है फर्स्ट ट्रांजेक्शन से कैश मेरा फाइव थाउजेंड से एड हो जाएगा तो सिक्सटीन थाउज़ेंड फाइव हंड्रेड का कैश हो जाएगा और मोटर व्हीकल मेरी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कर देगी तो फाइव थाउजेंड से जब मैं ऐड करूँगा तो वो आपसे पूछ सकता है कि इन तीन ट्रांजेक्शन के बाद बताओ कैश का बैलेंस क्या है या इन तीन ट्रांजेक्शन के बाद कैपिटल क्या बचेगा कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो कैपिटल ट्वेंटी थाउजेंड ही रहेगा या लाइबिटीज़ कितनी रहेंगी तो हमारी ये लाइबिटी रहेगी अब अगर आप देखें तो इस इक्वेशन को एग्जाम में डिफरेंट तरीक़े से लिख सकता है एसड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस लाइबिटीज़ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम चाहें तो कैपिटल प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट को हमने ब्रेक कर दिया रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस के अंदर माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस लाइब्रेड अब इससे बहुत आसान होगा अगर वो आपसे वर्त फॉर एग्जाम्पल कंपनी रेंट एक्सपेंस पे करती है रेंट एक्सपेंस पे करती है तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा कैपिटल के ऊपर तो ये बात याद रखिएगा ये सारा का सारा कैपिटल का ब्रेकअप है यहाँ से लेके यहाँ तक ये और ये पूरा कैपिटल का ब्रेकअप है तो अगर एक कंपनी पूछती है आपसे कि कंपनी रेंट एक्सपेंस पे कर रही है तो उसका कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आएगा तो आपको पता है रेंट एक्सपेंस का मतलब है एक्सपेंस बढ़ेगा जो कि यहाँ से लेस हो रहा है कैपिटल में से इसका मतलब ओवरऑल बिजनेस का कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा इसी तरीके से बिजनेस अगर क्रेडिट सेल्स करता है क्रेडिट सेल्स करने से क्या होता है रेवेन्यू बढ़ता है रेवेन्यू बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट फिर कैपिटल पर आ रहा होगा अगर वो आपसे पूछे कि अकाउंटिंग इक्वेशन पर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा तो फिर एसिड माइनस लाइबिटीज को जो है वो हम कैपिटल के बराबर भी कहते हैं या इसको नेट एसिड्स कह रहे होते हैं एक छोटा सा सवाल करते हैं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज़ द प्रोप्राइटर्स इंटरेस्ट बिजनेस में प्रोपराइटर्स का इंटरेस्ट क्या कहते हैं एसिड इज इक्वल एसिड माइनस लाइब्रिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल होता है तो प्रोपराइटर्स इंटरेस्ट जो है वो हम कैपिटल का नाम दे रहे होते हैं तो आपसे कह रहे हैं 1100 के एसेट्स हैं ट्रेड पेबल ढाई हज़ार रुपए की लाइब्रिटी है और मोडगेज लाइब्रिटी हमारी है एट थाउजेंड की और लैंड है सिक्सटीन थाउजेंड का तो हम कहेंगे सिक्सटीन थाउजेंड प्लस एलेवन थाउजेंड ये हम कैलकुलेटर के साथ सौ सा निकाल लेते हैं सिक्सटीन थाउजेंड एलेवन थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड माइनस एट थाउजेंड माय कैपिटल थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद